मैं इस बात पे लानत भेजता हूँ कि किसी की मेहनत है और उसके पैसे मेरी जेब में आए। जी हाँ, बहुत सारे मेंटोर, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में जो कि फेसबुक ग्रुप्स के एडमिन बने हुए हैं, वो लोगों को पे आउट की सर्विसेज दे के, लोगों के पेजेस लेके उनसे परसेंटेज लेते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके मेंटोर हैं, हम आपको सिखाते हैं। इसी तरह का एक प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है और उसको वेरीफाई करने के लिए ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप भी देख सकें कि मैं किस लेवल पर आप लोगों के लिए सोचता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो kindly इस चीज को make sure करें कि इस चैनल पे आपको Facebook से related हर तरह की videos मिलेंगी। चलो मान लेते हैं कि इस तरह की videos और भी चैनल बहुत हैं जो कि आपको provide कर रहे होंगे, लेकिन जो video अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप देखेंगे कि मैंने अपनी जेब से लोगों को monetize page दिए हैं, अपनी जेब से लोगों को मतलब rented group लेके दिए हैं और अपनी जेब से उनको मतलब अर्निंग करने के काबिल बना रहा हूं, बल्कि बना बनाया खाना भी उनको दे रहा हूं कि आप मेरे पैसों से अर्न करो, मेरे पैसों से यूज करो और उससे खुद की अर्निंग जनरेट करके अपना 50% रख लो। तो इस तरह का एक प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है, इसके ऊपर मैं चंद ऐसे सवाल, चंद ऐसी टीम को फाइंड कर रहा हूं जो कि आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो अगर आपने भी इस टीम को ज्वाइन करना है, इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें आपको एक रुपया भी इन्वेस्ट ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ आपको अर्निंग आपकी जेब में आए, तो यह वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसकी अपडेट वीडियो मैं नेक्स्ट आने वाले दिनों में दूंगा। तो जो पहली जो हमने टीम निकाली है उसके ऊपर हमने क्या इंटरव्यू किया है, उसके ऊपर क्या उनसे सवालात किए हैं, ये सारी चीजें आप भी देख लें। अगर आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इन फ्यूचर आप भी एक ऐसी टीम का हिस्सा बनेंगे जिसके ऊपर आपको ना तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ना ही आपको मोनेटाइज पेज लेने पड़ेंगे और ना ही आपको फेसबुक ग्रुप्स लेने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आपका भाई आपको प्रोवाइड करेगा। तो यकीनन एक दफा देख लीजिएगा, उसके बाद अपने भाई को जज जरूर कीजिएगा कि मैं किस लेवल तक आपको सिखा सकता हूं या आपके लिए कर सकता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपनी टीम के साथ शेयरिंग करता हूं स्क्रीन। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे साथ काम करना है, मेरे साथ जुड़ के काम करना है, तो इसके ऊपर आपने खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ आपके पास शेयरिंग सेटअप होना चाहिए, ठीक है। शेयरिंग सेटअप आपके पास कम अज कम 150 IDs का होना चाहिए, ठीक है, 150 IDs का। अगर आपके पास 150 IDs हैं कम अज कम, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट में अगर आपके पास 100 IDs है, 100 IDs का सेटअप है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपने शेयरिंग सेटअप लगाना है तो कम अज कम आपने प्रीमियम ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ठीक है। प्रीमियम ग्रुप्स किसी किस्म के भी हो सकते हैं, उसके लिए कैटेगरी ज़रूरी नहीं है। आप बाय एंड सेल का लगा सकते हैं, किसी किस्म का भी हेल्थ से रिलेटेड लगा सकते हैं, लेकिन वो हो ऑटो प्रो। अब आपने पर आईडीज 8 से 10 ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं अपनी आईडी के हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी आईडीज में मतलब कोई मसले आ रहे हैं, अगर आपकी आईडीज उड़ रही हैं, तो आप कम से कम 5-7 ग्रुप्स तो लगा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 10 ग्रुप, ठीक है, एक आईडी में। जब आप उन आईडीज को रेडी कर लेंगे, अपना शेयरिंग सेटअप लगा लेंगे, तो फिर आपको काम दिया जाएगा। अब काम में सबसे पहली बात आती है, मैं आपको बता दूं अर्निंग की, कि अर्निंग आपको किस तरह होगी। स्टार्ट में हम सारे मिलके ना, जितने भी दोस्त हैं, इवन के मैं भी, शाहसवार भाई भी, जितने भी हमारे दोस्त जो कि सिलेक्ट होंगे, उनको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक के ऊपर टाइम के मुताबिक आपने शेयरिंग करनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग में से नंबर 1 पे जो होगा, जो पहले शेयरिंग स्टार्ट करेगा, वो अपना आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितना उसको टाइम रिक्वायर्ड होगा ना, वो बंदा उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है, मतलब शेयरिंग करेगा। अब जब टीम डिसाइड हो जाएगी, तो उस बंदे को उसका दिया जाएगा, ठीक है, उस बंदे को उसका टाइम बता दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई बंदा मतलब उस टाइम पे शेयरिंग नहीं देता, तो उसको टीम से लीव कर दिया जाएगा, टीम से निकाल दिया जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, इसमें अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन ज़ाहरी बात है थोड़ी सी सख्ती आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो बंदा टाइम के मुताबिक शेयरिंग नहीं देगा, या जिस दिन वो शेयरिंग नहीं देगा, पहले उसको वार्निंग होगी, पहले दिन उसको वार्निंग दी जाएगी कि भाई टीम में संजीदा लोगों की जगह है, अगर आप संजीदगी से काम नहीं करते तो आपको निकाल दिया जाएगा। दूसरी मरतबा अगर कोई वॉयलेशन करता है, मतलब शेयरिंग नहीं करता, करता है तो कम करता है तो मतलब टाइम के मुताबिक नहीं करता, तो उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये मैं पहले बता देता हूँ, वही बंदा ज्वाइन करे जो टाइम का पाबंद है, मतलब संजीदा है, ठीक है। रही बात अर्निंग की, अर्निंग आप सब लोगों में डिवाइड होगी इक्वली, इवन के मेरी भी अगर 10 रुपये बनते हैं तो सबको 1-1 रुपया मिलेगा,
ये नहीं है कि तारिक भाई खुद 5 रखे और हाफ हाफ रुपए आपको दे, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी अर्निंग होगी वो आप सब लोग भाइयों पे, मतलब मैं भी आपका भाई हूँ, तो इक्वली डिवाइड होगी, क्योंकि हम एफर्ट इक्वली कर रहे हैं। पेजेस मेरे हैं, शेयरिंग सेटअप आपका है, कंटेंट हम लगा रहे हैं, शेयर आप कर रहे हैं, तो ये सारी एफर्ट मिलके एक दूसरे के साथ बनती है, ठीक है। तो एफर्ट जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह वो जितनी भी आपकी बनेगी ना, मतलब अर्निंग, वो आप सब लोगों को मंथ के एंड पे जैसे ही हमें रिसीव होगी, हम आपको फॉरवर्ड कर दिया करेंगे आपके लोकल बैंक में, ठीक है। और बकायदा इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए मैं आपको वो अपना पे आउट भी दिखाया करूंगा कि इस महीने हमारी इतनी इनवाइस बनी है, इस डेट को हमें पैसे आए हैं, ताकि आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट है, कोई मसला है कि कम या ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो आपके सामने रखा जाए। इसको मज़ीद शफाफ बनाने के लिए कोई भी बंदा किसी भी टाइम पेज की एक्सेस लेने के लिए एलिजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मुजफ्फर भाई कहते हैं, शाहसवार भाई कहते हैं, जुबैर भाई कहते हैं, उस्मान भाई कहते हैं कि तारिक भाई हमें पेज दिखाया जाए, ठीक है। तो उसको पेज हम दिखाएंगे, ठीक है, कि भाई ये चेक कर रहे हो आपका काम है, आप हमारी टीम का हिस्सा हो। इन फ्यूचर इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमारी शेयरिंग सेटअप 100 IDs की है, अल्लाह करे वो पहली ही हमारी मतलब मंथली पे जो कोई $5,000-7,000 बन जाए, इंशाल्लाह बनेगी, मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम अगर मिलके काम करेंगे तो वो बनेगी। $5,000 बनती है तो वो हमने खुद के ऊपर 1 रुपया खर्च करना है, 4 रुपए अपने शेयरिंग सेटअप के ऊपर आपने खर्च करने हैं, करने आपने ही है, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं तो आपको दे दूंगा, लेकिन आपने उसको इंक्रीज कर रहा है ताकि हमें बाहर से और लोगों की जरूरत ना पड़े, जो लोग यहाँ पे भी है। यहाँ पे चंद ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि तारिक भाई घर के हालात ठीक नहीं है, ठीक है, नो डाउट कि मैं समझ सकता हूँ उनकी वो मुश्किल, और ये भी बोला कि तारिक भाई आप काम दे दें, तो नाम नहीं लूंगा, बहुत देर से मेरे साथ वो काम कर रहे हैं, बहुत देर से वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने उनको बिना किसी सोचे समझे यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब बात सिर्फ आपके ऊपर आके रुक जाती है, 1 महीना आप मेरे साथ काम कर लें, मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है। देखें हर बंदे को ना इंसान से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, अल्लाह से लगानी चाहिए, तो मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि अगर हम मिलके काम करते हैं ना, तो जो बाहर जॉब करते हैं 30-35 हज़ार रुपए की, वो छोड़ देंगे, वो फिर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको क्लियर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 पेज है एडवांस में, आपके पास मोनोराइज पेज अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, 50 पेजेस, 50 नहीं होंगे, 38 से 40 होंगे तकरीबन मोनोराइज पेज, तो वो हमारे पास पड़े हुए हैं इन स्ट्रीम ऐड से, और 10-15 एड्स और रील से भी होंगे, ठीक है। तो अगर वो रेड हो जाते हैं, पेजेस की कमी हमें हो जाती है, तो पेजेस हम बाय कर लिया करेंगे, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि बाय हम तभी करेंगे जब हम अर्न करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम अर्न नहीं करते तो फिर पेज कैसे बाय करेंगे। तो स्टार्ट के लिए मैंने आपको स्टार्ट कर देना है अपनी तरफ से पेजेस देके, तो तब हमने पेजेस भी सब लोगों ने मिलके लेने हैं, ठीक है। मार्केट से पेज उठाएंगे, अगर नहीं मिलते तो खुद अप्रूव्ड करवाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास ऐसा मेथड है कि डेली के 10 से 20 पेजेस का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, और इवन के हम कर भी रहे हैं, लेकिन पेजेस अभी अप्रूव्ड नहीं हो रहे, तो इसीलिए हो सकता है कि आपके वो थोड़ा सा टाइम लगे। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए फिर हमें ना पेज बाय करने पड़ेंगे, वन बाय वन करके बंदे को ओपन करूंगा, ठीक है। जिसका कोई भी सवाल है विद वीडियो, वो कैमरा अपना ऑन करके हमारे साथ डिस्कस करे, तो सबसे पहले तो शासवार भाई को मैं लूंगा, ठीक है, इनको बोलूंगा कि अपना माइक और कैमरा ऑन कर ले। जी शासवार भाई, क्या कहते हैं इस बात? अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को सलाम। उसके बाद जिस तरह तारिक भाई ने बताया सबको कि हम जो है एक शेयरिंग सिस्टम जो है क्रिएट कर रहे हैं, और इस पर्पस के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है और सबको पता है कि पाकिस्तान में आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। सही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और हर गरीब बंदा जो है ना परेशान है। तो तारिक भाई ने ये सोच के बनाया है कि चलो हम कमा रहे हैं। सही है, मतलब उनके ये सोचे जो हम कमा रहे हैं हम जो है ना सबके साथ इक्वल कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये शासवार भाई हैं हमारे, दुबई में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको ये मैनेज करेंगे, ठीक है, ये डील करेंगे, मैं भी आपके साथ हूँगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं होता, आपको कोई मुश्किल आती है, तो आपने इनसे रब्ता करना है, ये मेरे टीम मेंबर्स हैं और इवन के बहुत देर से भाइयों की तरह है, ठीक है। अब एक सिनेरियो मैं आपको एक और खुशखबरी दे देता हूँ, खुशखबरी नहीं है, एक पर्सनली जो कहते हैं ना भाइयों की सपोर्ट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ, शासवार भाई काम कर रहे हैं, रहमान भाई काम कर रहे हैं, राजिक भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, उस बंदे को पैसों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन वो ड्यूरिंग द काम है हमारे पास, और अभी हमारा पे आउट नहीं आया, उस बंदे को 5-10-15 जरूरत पड़ी जाती है, फिर हम यहाँ पे एक उन भाइयों के साथ सपोर्ट
मतलब कर देंगे कि भैया आप ले लें अपने घर का, जो भी आपको मसला है, कोई इशू है, वो अपना सॉल्व कर लें, ठीक है। लेकिन ये पहले मंथ नहीं होगा, ये जो पक्का बंदा हो जाएगा ना हमारे साथ, ये सिर्फ उसके साथ ही कॉपरेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारी तरफ से आपको सपोर्ट होगी। ओ सर, मैं तो पहले दुआ कर रहा था कि सबसे आखिर में आप मेरा नाम लें, ताकि मैं जो सुन लूं क्या क्या उस हिसाब से फिर मैं कुछ बोल सकूं। आपने मेरा पहले ही नाम ले लिया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। आप मोहतरमा हमारे बड़े हैं, ठीक है। देखें, इसमें डरने वाली या कोई झिझकने वाली तो बात ही नहीं है, हम तो आपसे छोटे हैं। क्वेश्चन है ना, जो भी आपके क्वेश्चन है, आपको जो चीज समझ नहीं आ रही, आप पूछना चाहते हैं, वो आप डिस्कस करें, आपका राइट है। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये है कि जब आपका मैसेज आया ग्रुप में तो वाकई बहुत खुशी हुई कि चलो हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिले, वो भी आपके साथ, तो बहुत ज्यादा खुश हुआ मैं। और इसके लिए मेरे पास जो सेटअप है, आईडीज मेरे पास नहीं है, तो आईडीज के लिए मैंने सुबह से अपनी ट्राई की है काफी बंदों से, तो दो बंदे मुझे मिले हैं जो 80 रुपए के हिसाब से मुझे आईडी देने के लिए, वो यानी उन्होंने रेट दी 80 रुपए के हिसाब से, तो उनसे मैंने बात डन कर ली है। अपने पास मेरे पास एक लैपटॉप है 5th जनरेशन का, वो उसमें मैं जो है ना उसमें वो करूंगा। बाकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिटीज में लोड शेडिंग फ्री हो गई है, इस हिसाब से भी हमें अच्छा ही चल रहा है। चलो ये यहाँ तक तो अच्छा ही सब कुछ। अभी जो जहाँ पर मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ वो ग्रुप फाइंड करने का, ग्रुप किस तरह मैं फाइंड करूंगा। प्रीमियम, सिर्फ प्रीमियम की बात चल रही है, सिर्फ ग्रुप की होती ना काफी यानी मिक्स होते तो अलग था, ये सिर्फ प्रीमियम को, तो थोड़ी सी मुझे इसमें दुश्वारी आएगी कि सिर्फ प्रीमियम ग्रुप को किस तरह मैं फाइंड करूंगा। उसके लिए बस थोड़ा सा कुछ सिखा दे या क्लू कर दे, बाकी दौड़ना हमारा काम है, पीछे पड़ जाएंगे उसके उस तरीके से। बस सिर्फ इस चीज की मुझे थोड़ी सी वो होगी, बाकी मेरे लिए कोई इशू नहीं है। जो टाइमिंग होगी आप उस टाइमिंग के हिसाब से शेयरिंग देनी है। 100 IDs का मैं स्टार्ट में सेटअप करूंगा, उससे थोड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर मैं मजीद अपना बढ़ा दूंगा। अच्छा जुबैर भाई, मुझे एक चीज कंफर्म कीजिएगा, आपके पास अभी मतलब शेयरिंग सेटअप नहीं है, आपने लगाना है? जी सर ऐसे ही है, मैंने आईडी लेनी है, यानी 20 आईडीज का है मेरे पास। चलिए मैं आपको जो हम अपना काम मैं आपको है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपके नाम के आगे ना मैंने ये लिस्ट बना लिया, ठीक है। मैंने आपके नाम पेंडिंग लिख दी है, ठीक है। अब पेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप टीम में नहीं हो, आप अपना शेयरिंग सेटअप रेडी करें, ठीक है। सेटअप रेडी करने के बाद 3 दिन में कर ले, 5 दिन में कर ले, 10 दिन में कर ले। अभी हमने काम नहीं किया, ठीक है, अभी हमने काम स्टार्ट किया, आज पहला दिन था टीम के साथ, तो ये आपका इंटरव्यू है। तो जिस दिन आपका वो हो जाए फाइनल, शाहसवार भाई हैं ग्रुप में, मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे मेरा शेयरिंग सेटअप रेडी है, शाहसवार भाई चेक करेंगे आपको, उसके बाद फाइनल टीम में ऐड कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं जी? ये अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, 120 हो गई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ना जो सुबह जो है ना वो उसकी फाइनल डिटेल आपको बता दूंगी कि मैंने इतनी आईडीज होगी है मेरी, क्योंकि लॉगिन करके भी देखना पड़ता है कौन सी चल रही है कौन सी नहीं चल रही जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि ग्रुप्स मेरे पास हैं, प्रीमियम ग्रुप्स हैं, मैंने पहले बाय किए हुए थे ग्रुप्स ना, तो अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि ये USA के ग्रुप होने चाहिए या कोई भी चलेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि USA के हो, आप किसी किसी भी अदर कंट्री में, पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, मतलब जो एशिया कंट्री है, एशिया की कंट्रीज हैं इनको, जी जी के कोई भी, वो तो मेरे पास है और बाय करने की जरूरत नहीं है, के करीब होंगे वो कम है आपके पास, आपने ज्यादा ग्रुप्स इसमें से यूज होंगे, कम से कम नहीं। अभी मैं कह रही हूं फिलहाल जो है ना मेरे पास 200 है, तो फिर इसके बाद फिर मैं फाइंड करूंगी भी ना। आईडीज आपके पास है? मेरे पास एक लिस्ट है, हां जी आईडीज मैंने बाय की भी है, अभी घंटे तक वो कह रहा था मैं आपको दे दूंगा जिसे मैंने लिए है। फिर मैं ऐसा करता हूँ आपको मैं डन करता हूँ, और मजीद जब वो लगा ले अपनी आईडी तो आपने पर भाई हैं ये, ठीक है, इनको आपने मैसेज कर देना कि भाई चेक कर सकते हैं, तो ये आपको वेरिफिकेशन आपकी शेयरिंग सेटअप जो जिस तरह भी ये करे, ठीक है। तो फिर जी ठीक है, ये आपको फाइनल ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ये, ठीक है ठीक है। और एक चीज और है कि ये घर में अगर कोई और फर्द भी है तो उसको भी इस चीज के बारे में बता दीजिएगा कि मैं ये काम स्टार्ट कर, मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो ये करना पड़ेगा आपको। जी ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है शाहजवार भाई।
चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चले, ठीक है, थैंक यू। उस्मान खान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आईडी तो सर मेरे पास भी तकरीबन सर 30 तक ही हैं, तो मैंने आज उनको मैसेज, जिनका आपने नंबर दिया था उनको उनको मैंने सर मैसेज कर दिया था कि मुझे आईडीज चाहिए। तो अभी रेट तो आई हो गया, लेकिन देनी पड़ेगी सर इंशाल्लाह। रेट नहीं, रेट तो मैंने 60-70 रुपए मैक्सिमम चल रहा है, 80 रुपए मैक्सिमम चल रहा है। वो कह रहे थे कि जो मैंने बाय की है वो 120 तक वो जवाब दें सर। नहीं, वो जवाब चले, मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना मेरा नाम लेके, उसको मजीद डिस्काउंट करे। बाकी ये है कि मार्केट में और भी काफ़ी सारे सेलर हैं, अगर आप खुद ऐसा स्ट्रगल करके उनके मतलब कॉन्टेंट में जाओ ना, कॉन्टेक्ट में, तो वो आपको मजीद से भी आईडी सस्ती मिल सकती है सर। वो ट्रस्ट वाला को बंदा मिल जाए ना, ताकि ट्रस्ट वाला आप उस्मान भाई क्या मैं बोलूं मैंने शायद बैच फाइव में एक बांग्लादेश के बंदे पे ट्रस्ट कर लिया, वो मेरा स्टूडेंट ही था जी। मैंने उसको अच्छा। जितने भी स्टूडेंट होंगे ना बांग्लादेशी, उनकी फीस आप कलेक्ट कर लेना और मुझे बाद में वापस कर देना। उसने कहा ठीक। अच्छा, उस बंदे ने दो बंदों की फीस खा ली और उसने मुझे ठीक सर। जब वो बंदे मेरे पास आए, तारिक भाई हमने तो आपको फीस दी है, मैंने कहा भाई प्रूफ दो। उसने बोला ये बंदा था आपका, इसको मैंने प्रूफ, मतलब अब इस दुनिया में इस तरह के भी लोग हैं कि यही बात है सर। तो अब मैं क्या करूं? चलिए यार, आप ऐसा कि मैं आपको पेंडिंग में कर रहा हूं, ठीक है जी सर। पेंडिंग में मतलब ये नहीं है कि आप नहीं सिलेक्टेड, ठीक है? नहीं सर, आप मतलब पूरा ट्रस्ट है पेंडिंग से मुराद ये है कि आप अपना शेयरिंग सेटअप रेडी करें, अभी आपको फाइनल जी सर नहीं करें। अब जैसे ही रेडी हो जाए भाई को अपना शेयरिंग सेटअप दिखा दें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे पास आईडी तकरीबन 40-50 हैं अभी भी रेडी, तो बाकी मेरी अभी भी बात चल रही है 3-4 बंदों से, तो वो मुख्तलिफ रेट दे रहे हैं। तो मेरी सिर्फ उनसे एक बात पे बहस हो रही है कि कम से कम मुझे पर आईडी में डेली की 5 शेयरिंग से वो ब्लॉक ना हो स्टार्ट में। चले वो बाद में तो ब्लॉक होती हैं, वो बंदा फिर नहीं लेता, वो सिस्टम चलता रहता है, लेकिन स्टार्ट में कम से कम 1 वीक तो या 2 वीक कम से कम ना कोई भी ब्लॉक ना हो। तो वो बस इंशाल्लाह मेरा कल तक, मैं किसी ना किसी एक बंदे से फाइनल करके तो कल तक मैं शेयरिंग सेटअप रेडी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं बस मुझे माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्लॉकिंग का इशू आ रहा है ना, ब्लॉकिंग का इशू ये जी जी तो सेलर की तरफ से होता है और ना ही आप लोगों की तरफ से होता है, ठीक है? ये होता है फेसबुक की तरफ से, जो आईडी एक्टिव नहीं होती उस आईडी से हम अगर शेयरिंग करते हैं तो वो आईडी ब्लॉक हो जाती है। पहले उसको एक्टिव कर ले जी, वगैरह कर ले, उसकी डीपी वगैरह चेंज कर ले, उसके बाद 1 शेयरिंग दे 2 शेयरिंग दे, अगले दिन 5 दे दें, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको शेयरिंग के काबिल बनाया जाता है। जी 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 जी, वो तो मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ और वो मैं ऐसा ही करूंगा। सिर्फ ये मेरा उनसे ये कंसर्न है कि मेरी आईडी जब मैंने ली ना, तो अभी पिछले दिनों में 20 आईडी ली थी इंडियन, तो वो मैंने ऑन भी की और 3-4 दिन मुसलसल 1-2 लाइक और 1-2 पोस्ट कर रहा था, फिर उसके बाद 2-3 दिनों में शेयरिंग की तो वो ब्लॉक हो गई। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई कि जो इंडियन आईडी थी वो जिस बंदे की भी क्लोन हुई थी ना, तो उनकी 5K+ मेंबर, उनके मेंबर ऐड थे, तो जाहिर सी बात है इतने मेंबर किसी ने ऐड किए हैं तो वो तो रिकवर जरूर करेगा। मेरी उनसे ये जरा ज्यादा कंसर्न है कि ये ना हो कि मैं भी लूं और आधी से ज्यादा फिर कोई रिकवर कर ले, तो फिर वो चीज ना हो। चले 1-2-4-5 की कोई बात नहीं होती। शकील भाई, मैं आपको भी डन कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी 1-2 दिन का टाइम है, ठीक है? जैसे ही कंप्लीट हो तो शाहवर भाई से रابطہ जरूर कीजिएगा। लाइन पर एक बात बताओ जी। जी, आप जब भी आईडी बाय करते हैं ना, उसको जो है ना पासवर्ड डायरेक्ट चेंज किया करें, क्योंकि वो जो है ना अक्सर सेलर जो है ना रिकवर कर देता है, किसी और को भेज देते हैं, वो पासवर्ड चेंज कर देते हैं, तो जो है ना आपसे हट जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरी बात हो गई है लड़के से, ठीक है? तो इंशाल्लाह वही मतलब सुबह तक ना मेरी भी आईडी सारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो आप जैसे मुनासिब समझे फिर आप बाकी कल। पहली बात तो यह है कि जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए ना सेटअप। जी जी सर। गुलरेज भाई, ये शाहवर भाई हैं, स्क्रीन पे आप नजर आ रहे हैं, ठीक है? जी जी, हाँ जी। इनको अपने ग्रुप में मैसेज कर देना, ये एडमिन भी है ग्रुप के, ठीक है?
ठीक है सर, ठीक है। और उसके बाद ये आपको फाइनल ग्रुप में यही ऐड करेंगे सारे बंदे। अब ये जो शाहसवार भैया ना, ये अपना मतलब टाइम निकाल के आपको ही फाइनल ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है, जो बंदा ठीक हो। एलिजिबल होगा उसके लिए। देखिए ये कोई छोटी चीज नहीं हमने करने जा रहे, इन फ्यूचर जैसे आज एक 100 आईडीज का सेटअप है एक बंदे के पास, 200 आईडीज, 150 आईडीज, 300 आईडीज, 500 आईडीज, सोचे कि जितनी आईडीज बढ़ती जाएंगी उतने पैसे भी बढ़ते जाएंगे। नो डाउट जी जी सर। कि इसके ऊपर आपका टाइम भी खर्च होगा, इसके ऊपर आपको बैठना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, ये आपकी मेहनत होगी। उसके बाद अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि हम मोनेटाइज पेज दे रहे हैं, मार्केट में कोई बंदा भी इस तरह काम नहीं करता। मैंने ऑलरेडी कल एक बंदे की वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, उस बंदे ने पता क्या किया, जी हम आपको CPM करके देंगे, हमें कॉस्ट आई है पर आईडी 5 रुपए, और अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपको कॉस्ट आएगी 10 10 मतलब रुपए। तो मैं हैरान था कि यार जब एक स्टूडेंट आपके साथ काम करना स्टार्ट करता है तो तब आपको मौत क्यों पड़ जाती है, तब आपको क्यों अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते उसको। ऐसे ही अगर आपके नहीं, अच्छे की बात एक अलग है, इंसानियत शायद खत्म हो चुकी है। वो लोग जी जी। के ऑनलाइन फील्ड में आते हैं ना, मुझे बहुत इस चीज का दुख होता है। इवन के इन लोगों को समझना चाहिए कि एक स्टूडेंट हमारे पास आया है वो मतलब के लिए नहीं आया, वो सीखने के लिए है, हम से लिए हैं, तो वो उसका मतलब ये है कि हमने उसको सिखाना है। ये नहीं है कि कोर्स कंप्लीट करके जाओ भाई तुम अपने घर में अपने घर, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे आप किसी भी बैच से हो, बैच 4 से हो, 5 से हो, 6 से हो, इसको कैश आउट करो और इसके ऊपर फोकस करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चंद दिन आपके लगेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि हम तारिक भाई के साथ काम कर रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है या हमें मतलब गलत वे में जा रहे हैं। फिर आप उस बंदे को गलत कह सकते हो, उस बंदे को सही कह सकते हो। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज के ऊपर अमल कीजिएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ये कर सकते हो। और जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, अच्छा इंसान वही होता है, कामयाब इंसान वही होता है जो उसको कैश आउट करता है। हो सकता है कि हम इसमें फेल हों, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसमें कामयाब होंगे, हम एफर्ट कर रहे हैं, हम मशवरा कर रहे हैं, हम बैठ कर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम उसके ऊपर शेयरिंग के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो हो सकता है कि ये बहुत अच्छा काम निकले। हमारा पर डे $100 का एस्टिमेट है पर डे, ठीक है। अगर 10 दिन भी हमारा पेज चलता है तो $1000, 1000 अगर 10 बंदों पे डिवाइड किया जाए तो वो $100 बनता है, जो कि 30 40 30 हज़ार रुपये बनता है ऑलमोस्ट। तो 30 हज़ार रुपये से अगर 5 7 हज़ार रुपये की उसकी आईडीज आ चुकी हैं, 10 हज़ार की आईडीज आ चुकी हैं, तो इन फ्यूचर उसको सोचना चाहिए कि यार काम तो ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बनेगा, ये आपके ऊपर ही बनेगा। तो मैं आपको भी इन कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन शास्वर भैया आपकी कन्फर्मेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, जैसे आप आपने करना है। अब ये नहीं है कि तारिक भाई ने आपको कह दिया तो आपने करना है। स्पेशली स्पेशली मैंने आपको ऐड किया है इस ग्रुप में, मुझे बड़ी देर के आप कहते थे, जब भी आपका मैसेज आता था तो मुझे बड़ी ये चीजें ना लगती थी वो। सर मुझे पता है, मुझे पता है, आपने मुझे पिछले टिकटॉक का भी कहा था ना, तो मैंने उसके अंदर भी आपको मैसेज किया। और मैं शर्म के मारे आपको मैसेज नहीं कर रहा था कि गुलरेज भाई पता नहीं क्या सोचेंगे, सीधी सी बात है, झूठ क्यों बोलूं मैं आपसे। जी जी सर, अभी उनको बोला तो है मैंने। चले खैर, अल्लाह पाक सब पे करम करे, बाकी इंशाल्लाह ओके ठीक है। तो अभी मैं सिद्रा से रिक्वेस्ट करूंगा, लीशे आप अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, सेटअप तो मेरे पास रेडी है, मैंने भाई को मैसेज भी किया था कि मीटिंग एंड हो जाए तो आप चेक कर लीजिएगा। मतलब फिर आप आपको मैसेज आया था लेकिन अभी मीटिंग चल रही है ना, इसी वजह से मैंने आपको बोला थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज। मैं माफ़ चाहता हूं इस बात के लिए। चले ये गुड हो गया। ये देखिए ये एक माशाल्लाह हमारे बैच 6 से आई है ये लड़की, और ना कि ये परफॉर्मेंस बोनस टिकटॉक बन के ये इस फील्ड में ना बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। और इनके पास ऑलमोस्ट 300 प्लस आईडीज का सेटअप पड़ा हुआ है ऑन द स्पॉट। किसी बंदे को अगर लगता है ना कि मैं नहीं कर सकता, तो ये उनके लिए रोल मॉडल है कि यार ये देखो एक लड़की कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप किसी के पास जाके जॉब करें, ये घर में बैठ के भी आप इस तरह काम कर सकते हैं। सिर्फ अपॉर्चुनिटी और मौके दरकार होते हैं कामयाबी के लिए, तो आपके पास ये एक अच्छा मौका है। तो मुझे तो सर, मेरा टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग रात की हो, क्योंकि डे टाइम पे मैं बहुत बिजी होती हूँ, मेरा ऑनलाइन वर्क भी है वो भी देखना होता है, रात में होगा ना 8 9 बजे के बाद तो फिर मेरे लिए इशू नहीं है। वो तो टाइम तो हम सारे जब एक टीम बन जाएगी ना तो टाइम पे हम आपसे ये पूछेंगे कि आप किस टाइम अवेलेबल है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मैं रात के टाइम अवेलेबल हूँ, तो आपको रात को ही मैनेज किया जाएगा। अगर रात के हिसाब से काम करेंगे तो फिर तो वो नहीं ना सिस्टम चलना।
जी सर। लेकिन ये है कि ये मैनेज करना पड़ेगा हमें अपने काम को, अपने टाइम को, तो इंशाल्लाह फिर ही हमें एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकेंगे। हमारी शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए, एक वीडियो अगर हमें मिली है तो अभी अलीशिया शेयरिंग दे रही है, उसके बाद गुलरेज शेयरिंग दे रहा है, शकील भाई शेयरिंग दे रहे हैं, शाहसवार इवन के मैं शेयरिंग दे रहा हूँ, मेरे पास भी सेटअप पड़े हुए हैं, मैं भी लड़के रखे हुए हैं, मैंने दो लड़के रखे हुए हैं, तो उनको बोलूंगा कि भाई करो, ठीक है। तो इस तरह हम एक अच्छा रिजल्ट बना लेंगे और कोशिश करेंगे कि एक अच्छे रिजल्ट के साथ साथ एक अच्छा ग्रुप भी साथ में उनका बिल्ड करें।